नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है। 2021 के एडिशन के लिए बीसीसीआई नौवीं टीम लेने वाली है। अब वह नौवीं टीम कौन सी होगी, बिना देर के शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा। दोस्तों, आप क्रिकेट के फैन है तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि 2021 में आपको आईपीएल की नौवीं टीम दिख सकती है। आप यह सोच रहे होंगे कि नौवीं टीम कौन सी होगी, तो अभी तक यह तय नहीं है, पर अहमदाबाद की टीम पे चर्चा चल रही है। दोस्तों, पहले भी गुजरात की टीम आईपीएल खेल चुकी है, अब यह टीम कौन खरीदेगा, तो यह खबर निकल के आई है कि साउथ के मशहूर एक्टर मोहनलाल इस टीम को खरीद सकते हैं, क्योंकि वह आईपीएल के मैचेस भी देखने आते थे। अब यह अगले साल ही पता चलेगा। दोस्तों, और एक बड़ी खबर निकल के आई है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने के बाद आईपीएल के 14 सीजन का ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि अगले आईपीएल अप्रैल में होना तय है। पर इस बार आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है, यानी सब टीम के प्लेयर ऑक्शन में होंगे और टीमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 2017 में भी मेगा ऑक्शन हुआ था, यह मेगा ऑक्शन भी ऐसा ही होगा। 3 प्लेयर आपको रिटेन करने होंगे और 2 प्लेयर आप राइट टू कार्ड में ले सकते हैं। राइट टू कार्ड मतलब जो प्लेयर पहले आपके टीम में था उस पर किसी और फ्रेंचाइज बोली लगाएगी और उतने ही प्राइस में आपको लेना होगा वो प्लेयर। दोस्तों, एक और खबर निकल के आई है कि पंजाब टीम 2 बड़े प्लेयर रिलीज करने वाली है, क्वाट्रेल और ग्लेन मैक्सवेल। यह अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि पंजाब की बल्लेबाजी स्ट्रांग है। यह 2 प्लेयर रिलीज करके वो ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को ले सकते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क की बोली 15 करोड़ तक जा सकती है। दोस्तों, अगर मिचेल स्टार्क ऑक्शन में होंगे तो 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी वही होंगे, उन पर बोली लग सकती है लगभग 15 करोड़ की। पंजाब टीम के पास अच्छा मौका है उनको लेने का इस सीजन में। दोस्तों, एक और खुशखबर है कि इंडिया टीम की जर्सी लिमिटेड ओवर के लिए, मतलब T20 के लिए चेंज हो गई है। 90s की इंडिया टीम की जर्सी थी, ऐसी जर्सी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए होगी। और आज के दिन रोहित शर्मा ने 264 रन लगाए थे श्रीलंका के खिलाफ। तो आज की वीडियो में इतना ही।